लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। BSS हाईटेक पब्लिक स्कूल में स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित अग्रबाल क्लासेस द्वारा किया गया। यह आयोजन स्कूल प्रबंधक रवि शर्मा ने किया, जिसमें काफी संख्या में कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस बारे में स्कूल प्रबंधक रवि शर्मा ने बताया कि अग्रवाल क्लासेस द्वारा पिछले 5 वर्षों में काफी अच्छे तरीके से IIT व अन्य कोर्सों की तैयारी कराई जा रही है। इसको लेकर स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जितने अच्छे प्रतिशत अंक आएंगे उसी के तहत छूट मिलेगी। इसी को लेकर उनके विद्यालय में भी यह परीक्षा कराई गई है। यह प्रधानाचार्य हर्षित गुप्ता ने भी संबंधित जानकारी दी। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। जी, मैं श्री BSS हाईटेक पब्लिक स्कूल की शाह प्रधानाचार्य हर्षिता गुप्ता हूँ। आज हमारे स्कूल में अग्रवाल क्लासेस के द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट की प्रतियोगिता की गई है, जिसमें हमारे 8th क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये इस टेस्ट में, स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो बच्चे जिस प्रतिशत से पास होते हैं उसी हिसाब से बच्चों को 9th क्लास में स्कॉलर दिया जाएगा, जो कि अग्रवाल क्लासेस का बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं अग्रवाल क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लगभग कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया है? 42 से 50 के समथिंग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारे विद्यालय श्री BSS हाईटेक पब्लिक स्कूल में और आज अग्रवाल क्लासेस के द्वारा एक स्कॉलरशिप का एक टेस्ट रखा गया है, जिसमें हमारे 8th क्लास के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अग्रवाल क्लासेस विगत में 5 वर्षों से अवगत हूँ अग्रवाल क्लासेस के बारे में, और अपने फिरोजाबाद शहर में काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य रहा है अग्रवाल क्लासेस का। काफ़ी अच्छी तरह से उनको एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, IIT की तैयारी कराई जाती है, नीट की तैयारी भी कराई जाती है, और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज के साथ वो आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो उनके माध्यम से हमारे विद्यालय में ये स्कॉलरशिप का टेस्ट रखा गया। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, नर्चर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, या 9th-10th में जो कॉलेज में कैंपस से नहीं करना चाहते, कोचिंग क्लासेस से करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट सभी को स्कॉलरशिप का टेस्ट के माध्यम से बच्चों को, जितने प्रतिशत बच्चे के मार्क्स आएंगे उतना उनको बच्चों को छूट मिलेगी परीक्षा में। इसी के तहत ये अपने विद्यालय में ये स्कॉलरशिप की परीक्षा रखी गई है। मैं योगेंद्र मोहन शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जनपद के समस्त नगरवासियों को 2020 की नूतन वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे जनपद के सभी नगरवासी आने वाले 2020 में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, सबके कारोबार अच्छे चलें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को एक बार पुनः नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं रवि शर्मा, श्री BSS हाईटेक पब्लिक स्कूल का प्रबंधक, आप सभी को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह साल 2020 सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। इस नए साल का स्वागत मैं कुछ स्वरचित पंक्तियों के द्वारा करना चाहूंगा, जो कि हैं, जो नफरतों की भेंट चढ़ा मैं वो राजनीतिक बवाल हूं, जो नफरतों की भेंट चढ़ा मैं वो राजनीतिक बवाल हूं, हां मैं गुजरा साल हूं, जहां बहती थी ब्यार प्यार और भाईचारे की, जहां बहती थी ब्यार प्यार और भाईचारे की, आज उस शहर पर ही मैं एक सवाल हूं, हां मैं गुजरा साल हूं। काश मैं आऊं जब नए रूप में, तो बवाल ये थोड़ा थम जाए, प्यार और सौहार्द की भावना मन के ग्लेशियर पर जम जाए, नींव रखे हम सब विश्वास की, गुजरी बातों पर बहुत मलाल हूं, हां मैं गुजरा साल हूं। फिरोजाबाद के माहौल के अंदर जो जहर घोलने की कोशिश की गई, मैं चाहूंगा कि सौहार्द, प्रेम और भाईचारा हम सब में दोबारा कायम हो। हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक ही देश की संतान हैं, तो हम लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते। ऐसी भावना जब हरेक के मन में जागृत होगी तो नफरतों से हम बहुत दूर रहेंगे। इस नए साल में मैं स्वागत करते हुए इस नए साल का यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग फिर से आपस में जुड़ें, फिर से भाईचारा कायम करें और इस शहर, इस जिले को एक महान जिले के रूप में स्थापित करें, सब जगह इस जिले का नाम हो और लोग कह सकें हमारा
ये नाम देकर फिरोजाबाद का कि देखो फिरोजाबाद के लोग जहाँ एक दूसरे से जुड़े हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हम लोग भी आपस में एक अच्छा वातावरण बनाएं। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।